वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 82 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए, और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि डेटाबेस क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिकली आपका रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में, यानी कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं और उसके कुछ टर्म्स भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में हमने समझना है आपका रिलेशनल डेटाबेसेस को, रिलेशनल डेटाबेसेस। अब देखिए, रिलेशनल डेटाबेसेस तो हमें पता है कि आपका कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, और डेटाबेस हम बनाते हैं ताकि हम इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सकें, डेटा की शेयरिंग हो सके, बैकअप हमें मिले। अब यहाँ पे रिलेशनल वर्ड का मतलब है कि कोई भी ऐसा डेटा मॉडल जहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपके रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर होगा। रिलेशन यानी कि सिंपली टेबल्स को ही रिलेशन बोला जाता है, और टेबल फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होगा। हम बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, तो रिलेशनल डेटाबेस सिंपली आपका क्या होगा, इट इज अ डेटाबेस या सिंपली डेटाबेस मॉडल वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस, data is stored in relation and each relation या each table, क्योंकि relation को ही simply हम table बोलते हैं, and each table contains rows and columns। तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो आपका टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी कि इस फॉर्म में आपका डेटा जो है वो स्टोर होगा आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो इसी पूरे टेबल को सिंपली हम रिलेशन बोलते हैं, इसको रिलेशन बोलते हैं, सिंपली यही हमारा टेबल भी हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल भी कई बार पूछे जा सकते हैं, जैसे MySQL है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है यानी कि टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। इसके अलावा आपका Oracle हो गया, आपका MS Access हो गया, या सिंपली LibreOffice या OpenOffice का बेस हो गया, यानी कि LibreOffice बेस हो गया। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं आपके रिलेशनल डेटाबेसेस के। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, देखिए रिलेशन तो हमें पता लग गया कि रिलेशन को ही टेबल बोला जाता है, इसके अलावा एक टेबल का नेम भी होगा जिसको सिंपली हम आइडेंटिफायर बोल देते हैं, यानी कि जिसकी मदद से हम हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि आपका रिलेशनल डेटाबेस जैसे MySQL है तो इस डेटाबेस के अंदर आपका बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी आपकी टेबल्स होती हैं, तो टेबल्स को सिंपली हम रिलेशन बोलते हैं। अब इसमें जो हमारे यहाँ पे फील्ड होंगे या सिंपली जो कॉलम्स होते हैं, तो जो कॉलम्स हमारे होते हैं इन्हीं कॉलम्स को ही सिंपली हम यहाँ पे फील्ड भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो हमारे कॉलम होते हैं यानी कि ये जो होंगे इन्हीं को हम फील्ड बोल देते हैं या हम कॉलम बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मार्क्स, जेंडर, ये सब आएगा। तो यहाँ पे जो उसका रोल नंबर है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और कॉलम भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी रोज़ होती हैं, तो रोज़ को ही सिंपली हम यहाँ पे, जो हमारी रोज़ होंगी रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर, रोज़ को ही सिंपली हम टपल बोल देते हैं या सिंपली इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। हमारा रो हो गया या टपल हो गया या रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब है रोज़ की बात हो रही है, और अगर हम यहाँ पे फील्ड कॉलम बोलें, फील्ड बोलें, एट्रीब्यूट बोलें, इसका मतलब कॉलम की बात हो रही है। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हैं, एक हमारा होता है डिग्री, तो डिग्री सिंपली आपका होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी डिग्री होती है। और दूसरा हमारा होता है कार्डिनैलिटी, तो कार्डिनैलिटी हमारे होते हैं नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। और ये इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपकी कार्डिनैलिटी एंड डिग्री क्या होगी। तो मान लीजिए एक हमारी टेबल है उसमें चार कॉलम है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, चार। तो डिग्री बोले, एट्रीब्यूट बोले या फील्ड बोले, और कार्डिनैलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि टोटल उसमें रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आता है, एक टेबल आपको दी जाएगी और बोला जाएगा इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कितनी इसकी कार्डिनैलिटी है और कितनी इसकी डिग्री है। तो मान लीजिए उसमें चार ऑलरेडी कॉलम
है, और अगर हम दो नए उसमें कॉलम ऐड करते हैं या दो नए एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसकी डिग्री बढ़ेगी। और मान लीजिए एक हमारा जो एक आपका टेबल है या रिलेशन है उसमें आपके 10 वहाँ पे रिकॉर्ड हैं तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 10 होगी। अब अगर आप अगर आप दो नए वहाँ पे और रिकॉर्ड ऐडअप करते हैं तो क्या होगा, देखिए आपकी डिग्री तो सेम रहेगी, न्यू रिकॉर्ड ऐड हुए हैं तो कार्डिनलिटी उसकी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कार्डिनलिटी कितनी है किसी टेबल की और डिग्री कितनी है। डिग्री यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस कीज़ का। डेटाबेस की जो कीज़ होती हैं, देखिए डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, लेकिन हर एक डेटाबेस के अंदर या हर एक टेबल के अंदर आपका एक यूनिक फील्ड होता है या कॉलम होता है जिसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी की, ताकि हर किसी रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब देखिए कीज़ को हम सिंपली बोल सकते हैं दीज आर द एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट होते हैं या सिंपली फील्ड होते हैं या सिंपली कॉलम होते हैं जो कि आपका हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाते हैं डेटाबेस कीज के अंदर आपकी कैंडिडेट कीज यानी कि ऐसे रिकॉर्ड जो कि आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की क्या होती हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट की आपकी टेबल है तो स्टूडेंट का कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपका यूनिक होंगी, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है क्लास के अंदर, उसका आधार नंबर है, एडमिशन नंबर है, तो ये सभी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इन सभी को हम बोल सकते हैं कि ये सभी हमारी कैंडिडेट कीज़ हैं। अब इन सभी में से अगर हम एक को सेलेक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी की तो वो हमारी प्राइमरी की बन जाती है, यानी कि बहुत सारे होंगे लेकिन इनमें से एक को हमने सेलेक्ट करना होता है एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमारी क्या होगी कैंडिडेट के बाद, प्राइमरी की, तो ये हमको हेल्प करती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। तो दिस एट्रीब्यूट हेल्प्स अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। और एक टेबल में आपका एक ही प्राइमरी की होगी, और प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि प्राइमरी की आपका यूनिक होगा और आपका नल नहीं हो सकता, यानी कि नॉट नल, नल भी नहीं होगा और सिंपली यूनिक भी होगा। जबकि आपका जो कैंडिडेट कीज़ हैं वो नल हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की यूनिक भी होगी और नल भी नहीं होने वाली है। अब देखिए हमारे पास कैंडिडेट की हैं, उन कैंडिडेट की में से एक को हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, तो जो बची हुई कीज़ हैं उन सभी को हम बोल देते हैं, बचे हुए जो फील्ड या कॉलम हैं उनको हम बोल देते हैं अल्टरनेट की। तो अगला है हमारा अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की को हम बोल सकते हैं कि आफ्टर सेलेक्टिंग प्राइमरी की ऑल द रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। तो ये अल्टरनेट की हो गई, यानी कि सभी यूनिकली जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे फील्ड को हम बोल देते हैं कैंडिडेट। उसमें से एक हमने सेलेक्ट कर लिया आपका प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद जो बच गए वो है अल्टरनेट की, यानी कि कैंडिडेट में से अगर हम माइनस कर देते हैं प्राइमरी को तो जो बची हुआ, देखिए एक और की हमारी होती है जिसको हम बोल देते हैं आपका फॉरेन की। तो फॉरेन की सिंपली हमारी एक ऐसी की जो कि किसी दूसरे टेबल के अंदर ऐसा प्राइमरी की सर्व करती है, तो ये क्या करेगा, ये भी सिंपली आपकी प्राइमरी की ही होगी, लेकिन ये अनदर टेबल के अंदर यहाँ पे होगी, अनदर टेबल,
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक मेन हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट आईडी है, उसकी लाइब्रेरी आईडी है, उसकी स्पोर्ट्स आईडी है, तो एक टेबल तो ये है। अब इसके अंदर मान लीजिए जो लाइब्रेरी आईडी है और एक अलग से हमारे पास टेबल है लाइब्रेरी, जिसके जो मेन प्राइमरी की है वो लाइब्रेरी आईडी है। तो यहाँ पे जो मेन टेबल के अंदर आपका जो लाइब्रेरी आईडी है या ये कॉलम है, इसको हम बोल देते हैं फॉरेन की, क्योंकि एक दूसरी टेबल के अंदर ये एज अ प्राइमरी की सर्व कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक कंपोजिट की भी होती है। कंपोजिट यानी कि जब आपका एक से ज्यादा फील्ड हम यूज करते हैं किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपका मान लीजिए एक कॉलम है और एक दूसरा कॉलम है, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं और उनकी मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऐसी की को हम आपका कंपोजिट की बोल देते हैं। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट के। और इस वीडियो में हमने देखा रिलेशनल डेटाबेस, कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है और साथ ही में डेटाबेस कीज क्या होती हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले चैप्टर माई एसक्यूएल या सिंपली एसक्यूएल के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 82। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 83।